नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जून शनिवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय में एक बाबू राकेश कट्टा को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी ने जयपुर निवासी परिवादी से 4000 की रिश्वत कोरोना डेथ सर्टिफिकेट देने की एवज में मांगी थी। परिवादी के पिता एक राशन डीलर थे। कोरोना के दौरान परिवादी के पिता की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की कोरोना मृत्यु होने पर मुआवजा राशि दी जानी थी। इस मुआवजा राशि के लिए सीएमएचओ की ओर से कोरोना का डेथ सर्टिफिकेट दिया जाना था, जिसकी एवज में बाबू राकेश कट्टा की ओर से रिश्वत की डिमांड की गई, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में कर दी। एसीबी की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया, जो कि सही पाया गया, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी को दबोच लिया। जयपुर जिले के बस्ती थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी चंद्रमोहन को गिरफ्तार किया है। अन्य व्यक्ति फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि चंद्रमोहन ने साथियों के साथ युवक का अपहरण किया था और परिजनों से 5 लाख रुपये मांगे थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर बदमाशों ने दिन दिहाड़े किसान की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली। किसान ये रुपए अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते में जमा करने आया था। बदमाशों ने महज 6 मिनट में ही वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बनेड़ा क्षेत्र के खेड़लिया गांव का किसान जमनालाल माली बनेड़ा के SBI ब्रांच में KCC के 1 लाख रुपए जमा करवाने आया था। इस दौरान रैकी कर रहे बदमाशों ने किसान की कमीज की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली और फरार हो गए। पुलिस बैंक के CCTV फुटेज निकालकर जांच में जुट गई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने डहरा कस्बे में एक हरियाणा नंबर की कार में बैठे 5 युवकों के पास से नकली नोट बरामद किए हैं। बरामद सभी नोट 200 से 500 की सीरीज के अलग अलग सीरियल नंबर के हैं। इसके साथ नोट की साइज के 500 कटे हुए पेपर व लैपटॉप भी बरामद किया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क के बारे में पता कर रही है। SP गौतम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा डहरा में एक हरियाणा नंबर की कार में 4 से 5 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मंगलवार सिराए के पास हरियाणा नंबर की एक्सेंट कार में 5 व्यक्ति बैठे मिले, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। तलाशी में कार में बैठे कुलदीप यादव से 15,300 रुपये, अंकित यादव से 26,900 रुपये, विनोद यादव से 1,400 रुपये, परमजीत सिंह से 2,400 रुपये व अशोक कुमार देवतवाल से 5,000 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा बरामद की गई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में शुक्रवार को खान विभाग की अहम बैठक शुरू हुई। मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक खनिज भवन में मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक KB पांड्या, अतिरिक्त निदेशक हर्ष सावन सुखा, पेट्रोलियम निदेशक ओम प्रकाश कसेरा, उप सचिव नीतू बारूपाल मौजूद रही। बैठक में नई खनन नीति, खनन ब्लॉक आवंटन व राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की गई। हनुमानगढ़ ACP द्वारा गुरुवार को श्रीगंगानगर के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े 2 बाबू संदीप जाखड़ और पंकज वर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। ACP न्यायालय ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। ACP के अधिकारियों ने दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जेल भेज दिया। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एक सुरक्षा यूनिट से जुड़े अधिकारी से ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन मिले अनजान लिंक पर क्लिक करने के बाद अधिकारी के खाते से 1,23,000 रुपये पार हो गए। पीड़ित ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने IT एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि 23 जून को वह ऑनलाइन था। इस पर उसे लोन लेने का एक लिंक मिला। जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया तो ठगों ने फोन आने शुरू हो गए और लोन देने का झांसा दिया। ठग ने अकाउंट नंबर व गूगल पे के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उसके खाते से 2 दिन में 1,23,868 रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 के अस्थायी सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि घोषित कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार विचारित सूची में पाठ्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 5 से 6 जुलाई को होगी। काउंसलिंग की कार्रवाई आयोग कार्यालय पर होगी। जयपुर में 16 पुलिस की टीमों ने मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया। घरों में महिलाएं व युवक स्मैक गांजी बेचते हुए मिले। तस्करों के खिलाफ 33 मामले दर्ज कर 17 महिलाओं के साथ 33
तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 किलो 307 ग्राम गांजा, स्मैक 2.9 ग्राम, 886 पौवे देशी व अंग्रेजी शराब, 48 बियर की बोतलें व 2,10,000 रुपये जब्त किए गए। ऑपरेशन में अब तक पुलिस ने 727 मामले दर्ज कर 925 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए CST टीम को निर्देश दिए। टीम ने शहर में छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेच रहे स्मैक गांजा बेचने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.